वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आकांक्षा और आज के वीडियो में एक ऐसी क्रीम के बारे में बताने वाली हूं जो आपके स्किन से दाग धब्बे पिगमेंटेशन इन सारी प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर कर देगा ये एक मेडिकेटेड क्रीम है और बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट इसको रेकमेंड भी करते हैं और बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि कोई ऐसी क्रीम बताइए जिससे दाग धब्बे दूर हो जाए तो फाइनली मैं एक ऐसी क्रीम बताने वाली हूँ जिससे आपके दाग धब्बे ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी इस क्रीम को मैं अभी कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ रिजल्ट अच्छे मिले तो मैंने सोचा आप लोगों साथ शेयर करना चाहिए तो वो एक क्रीम क्रीम है ये है क्रीम, है है ये ग्लाइकोलिक ग्लाइकोलिक एसिड एसिड इसमें इसमें और भी आता है, पर 12 थोड़ा सा स्ट्रॉ हो जाएगा इसलिए अगर आप बिगनर हैं मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूं इसलिए सिक्स परसेंट से यूज कर रही हूँ का हाइड्रोक्सी एसिड होता है जो कि शुगर केन से मिलकर के बना होता है इसमें लैक्टिक एसिड ता, टाटरिक एसिड सिट्रिक एसिड भी होते हैं जो कि स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं और ये स्किन को एक्सफोलिएट बहुत अच्छे से करेगा डेड स्किन को रिमूव कर देगा और फिर जो आपकी नई नई स्किन आएगी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग रहेगी हेल्दी रहेगी और सबसे बड़ी चीज़ उसमें दाग धब्बे नहीं होंगे तो ये कुछ ऐसे काम करती है आइस क्रीम की पैकेजिंग की बात करूँ तो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आती है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है मतलब सिर्फ वन सेवेंटी ग्राम का पैक है वन सेवेंटी की है और काम बहुत अच्छा करती है आ, अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम्स वग़ैरह कोई बड़े ब्रांड्स में लेंगे ना तो वो थाउजेंड तक की आएगी मतलब जो ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स आते हैं सीरम्स आते हैं वो थाउजेंड से कम के नहीं आएंगे पर क्योंकि ये मेडिकेटेड क्रीम है इसलिए इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल है तो अगर आप कोई भी एसिड्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो हमेशा मेडिकेटेड प्रोडक्ट ही चूज़ करें क्योंकि इनका प्रमोशन नहीं होता है इनकी पैकेजिंग फैंसी नहीं होती है इसलिए ये सस्ते होते हैं पर काम बहुत ही अच्छा करते हैं ये जो क्रीम है ये आपकी स्किन से दाग धब्बों को दूर करेगा मतलब किसी भी टाइप के आपको दाग धब्बे हो एक्ने मार्क्स हैं डार्क स्पॉट्स ब्लॉक ब्लैक स्पॉट्स हैं ब्राउन स्पॉट्स हैं सबको एकदम क्लियर करेगा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करेगा अनइवन स्किन टोन है उसकी प्रॉब्लम को भी दूर करेगा और छाइयाँ हो जाती हैं वो भी दूर करता है क्लॉक पोर्स का प्रॉब्लम है ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है ये सारी प्रॉब्लम्स को एकदम दूर करता है ये ब्रेकआउट्स से भी आपकी स्किन को बचाता है पर अगर आपकी स्किन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिंपल हैं तब आप इसको यूज़ ना करें पहले अपने पिंपल्स को ठीक कर लीजिए फिर दाग धब्बों के लिए इसको यूज़ कीजिए मतलब ये है कि एक्ने प्रोन स्किन पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं ये आगे जो एक्ने होने वाले हैं उनसे प्रिवेंट करेगा पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अगर आपके स्किन ऐकने वगैरह हैं तब आप इसको यूज़ ना करें पहले उसको ट्रीट कर लें फिर इसको यूज़ करें ये जो क्रीम है इसको सारे स्किन टाइप्स वाले ही यूज़ कर सकते हैं चाहे आपकी ऑयली स्किन है ड्राई स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन है इसको यूज़ कर सकते हैं पर अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तब आप इसको यूज़ ना करें क्योंकि इसमें फ्रेगरेंस भी है तो फ्रेगरेंस मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं है पर इसमें फ्रेगरेंस है तो हो सकता है सेंसिटिव स्किन वालों को ये सूट ना करें तो सेंसिटिव स्किन वाले इसको बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए यूज़ ना करें और इसके टेक्चर की बात करूँ तो ये बिल्कुल क्रीमी टेक्चर है बिल्कुल क्रीम के जैसा ही है और अगर आपकी ड्राई स्किन है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अगर एक्सफोलिएट करती है ये तो आप इसको अल्टरनेट यूज़ करना शुरू कर दीजिए ऐसे ही कॉम्बिनेशन स्किन पे अगर बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट कर रही है स्किन को तब आप इसको अल्टरनेट डेज पे यूज़ कीजिए एक दिन आप इसको यूज़ कीजिए और दूसरे दिन आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए इमोलिन uh, मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से काम करता है अगर आपकी स्किन एक्सफोलिएट हुई है तो ऑयली स्किन है क्योंकि मेरी भी ऑयली स्किन है तो मुझे इसको लगाने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है और बाकी सारे काम तो करता ही करता है तो ऑयली स्किन है तो आप इसको एवरीडे लगा सकते हैं मेरी स्किन पे इसको लगाने से बिल्कुल भी एक्सफोलिएशन नहीं हुआ पर काम इसने किया तो ये अच्छी बात है कि ऑयली स्किन को कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है फिर भी अगर आपकी एक्सफोलिएट होती है स्किन तो आप इसको अल्टरनेट यूज़ कीजिए बहुत ज़्यादा ही एक्सफोलिएशन शुरू हो गया है तब आप इसको वीक में सिर्फ दो दिन लगाइए और बाकी के जो डेज़ हैं उसमें आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं ये जो क्रीम है सिर्फ नाइट में ही यूज़ करनी है दिन में यूज़ नहीं करनी है जब भी आपको ये ऐसे एसिड्स वग़ैरह यूज़ करते हैं तो उनको दिन में यूज़ ना करें क्योंकि सन एक्सपोज़र के कारण ये स्किन को डैमेज कर सकते हैं आप नाइट में कोई भी एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करके अपनी स्किन को क्लीन कर लीजिए ड्राई कर लीजिए फिर इसके एक लेयर अप्लाई कर लीजिए ओवर नाइट उसको रहने दीजिए दिन में आपको एक सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपको ब्राउन स्पॉट्स हैं अन ईवन स्किन टोन है बहुत ज़्यादा स्किन पे प्रॉब्लम नहीं है तो आपको 15 डेज में ही इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे पर अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं बहुत ही ज्यादा काले काले स्पॉट्स हुए हैं पिगमेंटेशन है, है तब तो आपको एक महीने तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि एक महीना कम से कम लग जाएगा आइसक्रीम को काम करने में क्योंकि दाग धब्बे जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं उनको निकलने में टाइम लगता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है काम करेगा और थोड़ा सा टाइम लेगा आ, तो वैसे च, अगर हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स हैं ना तो आपको 15 डेज़ में इसके रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये स्किन वाइटनिंग क्रीम है तो जी नहीं है। स्किन वाइटनिंग क्रीम नहीं है स्किन को हेल्दी बनाएगी ग्लोइंग बनाएगी पर वाइट नहीं करेगी ये स्किन को क्लीन करती है तो हो सकता है आपका एक शेड लाइट uh, हो जाए पर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सफ़ेद हो जाओ और ऐसा कुछ काम ये नहीं करेगी इस क्रीम को बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे कमेंट्स में मुझे कई चीज़ों में पूछा जाता है कि मैं अभी फोर्टीन ईयर्स का हूँ थर्टीन ईयर्स का हूँ क्या मैं इसको यूज़ करूँ तो नहीं आप कम से कम आप ट्वेंटी प्लस हो तब ऐसी चीज़ें यूज़ करो और कुछ चीज़ें जो इसमें मैंशन है वो ये कि अगर आप प्रेगनेंट हैं तब इसको यूज़ ना करें और अगर आपको इसको लगाने के बाद कुछ इरीटेशन वग़ैरह होता है तो तुरंत नॉर्मल वाटर से अपने आ, फ़ेस को वॉश करें और ये आँखों के आसपास मतलब अंडर आई एरिया पे इसको अप्लाई नहीं करना है और आप नोज़ के ये आसपास चिन के आसपास यहाँ स्किन सेंसिटिव होती है तो वहाँ भी इसको यूज़ ना करें जब भी आप इसको यूज़ करते हैं तो नोज़ के आसपास आप चाहें अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगता है तो वेसलिन या बोरोप्लस एलोवेरा जेल कुछ भी इधर नोज़ के आसपास चिन के आसपास लगा लीजिए और बाकी चेहरे पर इसको अप्लाई कर लीजिए काफ़ी अच्छे से स्किन पे काम करती है अभी सिर्फ 15 डेज़ हुआ है मुझे स्किन पे चेंजेस नज़र आए मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी बस लाइट uh, ब्राउन uh, मुझे स्पॉट्स थे और मुझे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम था और जब मैं फेस वॉश करती थी ना तो मुझे लगता था कि थोड़ा से छोटे हल्के हल्के से दाने हैं मतलब वो बड़े होने वाले हैं कुछ दिन में वो बाहर आएंगे तो इस क्रीम को लगाने से ना वो छोटे छोटे दाने एकदम रिमूव हो गए और अन ईवन स्किन टोन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो भी ठीक हुआ और अभी और होना बाकी है मतलब अभी मैं इसको और भी यूज़ करने वाली हूँ और जब मुझे ये पूरा कम फिनिश हो जाएगा तब भी मैं इसके बारे में एक बार ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि पूरी आ, ये पैक ख़त्म करने के बाद कैसा रिजल्ट इस, रिज़ल्ट इसने दिया आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और आप कि कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय